अगली खबर भी रांची से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का बयान सामने आया। सीएम हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हैं, ये आरोप लगाया गया। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी, सीएम हेमंत सोरेन इरफान अंसारी को पद से हटाएं। सीता सोरेन पर इरफान अंसारी ने बयान दिया था, जिसको लेकर के अब यह पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहतूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बावरी, जिनका यह बयान सामने आया है। और जरा यह डिमांड करते हैं हम लोग कि भाई अविलंब जो है इरफान अंसारी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से उन्होंने आदिवासी महिला के साथ जो नेत्री भी है, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी भी है, आदरणीय विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू भी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी भी है, उसके ऊपर यह टिप्पणी करना और उस टिप्पणी के बाद भी ठगबंधन दल का प्रत्याशी के रूप में हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का उनको सपोर्ट करना, उनका प्रचार करना, यह साफ दिखलाता है कि हेमंत सोरेन जी के लिए, कल्पना सोरेन जी के लिए आदिवासी कोई मायने नहीं रखता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, अगर देखिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, अगर उनके बयान की बात की जाए तो तुष्टिकरण का आरोप वो हेमंत सोरेन पर लगाते हुए और उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने जो बयान दिया उसको लेकर के उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। आपने देखा कि इससे पहले चुनाव आयोग को भी शिकायतें की गई, इसके अलावा राज्यपाल को महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने खुद लिखित जाकर इरफान अंसारी पर कार्रवाई करने की मांग करी है। इसके अलावा कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि एक महिला के साथ इस तरह अभद्र टिप्पणी करना ये कहीं से भी सही नहीं। आपने देखा कि चाहे वो हेमंता बिस्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान या फिर बाबूलाल या फिर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, सभी लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिप्पणी कर रहे हैं कि इस तरह से उनके सरकार में शामिल मंत्री का बयान आया है, इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्रवाई करें और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाएं। देखिए, आपने देखा कि क्योंकि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का चुप रहना ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि सभी लोग इरफान अंसारी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और आपने देखा कल सीता सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजों को उन्होंने रखा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो रोते ही नजर आई। उन्होंने साफ कहा कि किस तरह से एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से एक महिला के ऊपर इस तरह का अभद्र टिप्पणी की जा रही है, ये सही नहीं है। हालांकि देखिए, जवाबी में इरफान अंसारी ने भी कहा कि वो हमारी भाभी है और हमारी मां समान है, हमारा कहना वो नहीं था, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता के पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है, वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू है। लेकिन कुल मिला के यही कहा जा रहा है अंकुर की भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इरफान अंसारी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी देखिए इरफान अंसारी की ओर से भी स्पष्टीकरण जरूर दिया जा रहा है, लेकिन हालांकि कितना उसमें क्या कुछ सही साबित होता है, क्योंकि एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप और मेन वजह मुझे लगता है कि चुनाव नजदीक है, इस वजह से इस तरीके के बयान सामने आते हैं और फिर प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि किसको कितना सियासी लाभ के चलते आखिर ये बोला गया या क्या कुछ है, सियासी इसके मायने निकाले जाते हैं, ये देखना जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसी बीच अगली खबर भी रांची से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का बयान सामने आया। सीएम हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हैं, ये आरोप लगाया गया। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी, सीएम हेमंत सोरेन इरफान अंसारी को पद से हटाएं। सीता सोरेन पर इरफान अंसारी ने बयान दिया था, जिसको लेकर के अब यह पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहतूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बावरी, जिनका यह बयान सामने आया है। और जरा यह डिमांड करते हैं हम लोग कि भाई अविलंब जो है इरफान अंसारी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से उन्होंने आदिवासी महिला के साथ
जो नेत्री भी है, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्म पत्नी भी है, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू भी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी भी हैं, उसके ऊपर यह टिप्पणी करना और उस टिप्पणी के बाद भी ठगबंधन दल का प्रत्याशी के रूप में हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का उनको सपोर्ट करना, उनका प्रचार करना, यह साफ दिखलाता है कि हेमंत सोरेन जी के लिए, कल्पना सोरेन जी के लिए आदिवासी कोई मायने नहीं रखता है। इसी पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, अगर देखिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी अगर उनके बयान की बात की जाए तो तुष्टिकरण का आरोप वो हेमंत सोरेन पर लगाते हुए उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने जो बयान दिया उसको लेकर के उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उससे लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। आपने देखा कि इससे पहले चुनाव आयोग को भी शिकायतें की गई, इसके अलावा राज्यपाल को महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने खुद लिखित जाकर इरफान अंसारी पर कार्रवाई करने की मांग करी है। इसके अलावा कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि एक महिला के साथ इस तरह अभद्र टिप्पणी करना ये कहीं से भी सही नहीं। आपने देखा कि चाहे वो हेमंता बिस्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान या फिर बाबूलाल या फिर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, सभी लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिप्पणी कर रहे हैं कि इस तरह से उनके सरकार में शामिल मंत्री का बयान आया है, इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्रवाई करें और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाएं। देखिए, आपने देखा कि क्योंकि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का चुप रहना ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि सभी लोग इरफान अंसारी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और आपने देखा कल सीता सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजों को उन्होंने रखा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो रोते ही नजर आई। उन्होंने साफ कहा कि किस तरह से एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से एक महिला के ऊपर इस तरह का अभद्र टिप्पणी की जा रही है, ये सही नहीं है। हालांकि देखिए, जवाबी में इरफान अंसारी ने भी कहा कि वो हमारी भाभी है और हमारी मां समान है, हमारा कहना वो नहीं था, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता के पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है, वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू है। लेकिन कुल मिला के यही कहा जा रहा है अंकुर की भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इरफान अंसारी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी देखिए इरफान अंसारी की ओर से भी स्पष्टीकरण जरूर दिया जा रहा है, लेकिन हालांकि कितना उसमें क्या कुछ सही साबित होता है, क्योंकि एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप और मेन वजह मुझे लगता है कि चुनाव नजदीक है, इस वजह से इस तरीके के बयान सामने आते हैं और फिर प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि किसको कितना सियासी लाभ के चलते आखिर ये बोला गया या क्या कुछ है, सियासी इसके मायने निकाले जाते हैं, ये देखना जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।